Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. I think मैं भी काफी ठीक चल रही हूँ नहीं consistency में अपनी because I have been pretty regular. I'm kind of feeling proud of myself for that. All of you new subscribers, thank you for rewarding this hard work of mine and subscribing. I really appreciate it. आपके DMs do not go unnoticed. I try to get back to as many of you as possible. And whenever I am successful किसी की help करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. And I'm pretty sure कि अगर आप में से कोई वो लोग हैं जिन्होंने मुझे Instagram पे message किया and I try to help them out, please comment करो and just let me know if my advice has helped you in any way. या अभी आपका लाइफ में क्या प्लान है, क्या चल रहा है, हाउ आर थिंग्स गोइंग. एंड यस, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. लेट्स गो. इन दिस वीडियो हम सिर्फ सिन नंबर के बारे में बात करेंगे. सो सिन नंबर है सोशल इंश्योरेंस नंबर. सोशल इंश्योरेंस नंबर जैसे इंडिया में पैन कार्ड लगा लो के टैक्स के लिए, सैलरी के लिए, हर चीज के लिए ये नंबर बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. बी इट फॉर अ स्टूडेंट और अ परमानेंट रेजिडेंट और अ सिटीजन, एवरी सिंगल पर्सन हु कम्स इन दिस कंट्री फॉर अ प्रीटी आईड से एटलीस्ट लाइक 8 to 10 months मिनिमम हु कम्स इन ऑन अ डिप्लोमा, दे ऑल नीडेड. सो एक्सेप्ट फॉर पीपल हु एक्चुअली बस घूमने के लिए आए हॉलीडे पे, उनको नहीं चाहिए. बट स्टूडेंट्स हो, आप PR हो, सिटीजन हो, तो ये से नंबर सबको चाहिए होता है. तो ऑफकोर्स इन माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बात की थी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कनाडा में थोड़ा और सेटल डाउन होने के लिए, उसमें से एक मैंने से नंबर भी मेंशन किया था. से नंबर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड ये डिपेंडिंग ऑन योर नीड, कितना अर्जेंटली आपको चाहिए, आई वुड से जितनी जल्दी करा सको उतना ज्यादा अच्छा है. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिन नंबर जनरली नंबर 9 से शुरू होता है. एंड जब आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो एंड आपके पास सिन नंबर आ गया, उसके बाद जब आपने परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो तो आपने उसके बाद नया सिन के लिए अप्लाई करना होता है. स्टूडेंट वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. सो इस बात का पक्का ख्याल रखना. ओके, नाउ ये वीडियो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले आई विल टॉक अबाउट क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं जिससे आप सिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड सेकेंड हाफ इज स्टोरी टाइम. सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी एंड मैंने अपनी मिस्टेक्स के साथ क्या क्या सीखा, विच इज क्वाइट सैड एंड फनी. बट या आई वॉन्ट टू शेयर दिस क्योंकि मेरा जो प्रेफर्ड ऑप्शन है अप्लाई करने का सिन, वो इस मेरी पूरी स्टोरी और मेरे एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो आई थॉट इट्स फेयर राइट कि मैं आपको एक तो सारे तरीके बताऊं सिन नंबर अप्लाई करने के एंड फिर जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो भी बताऊं. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. स्टूडेंट्स के लिए जो सिन नंबर होता है वो 9 से शुरू होता है और जो आप जब PR बन जाते हो तो फिर आपको फिर से अप्लाई करना होता है फॉर अ न्यू सिन नंबर एंड वो 9 से शुरू नहीं होता है. तो बिफोर वी गेट इन टू द डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग फॉर योर सिन, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड. तो बेसिकली फॉर अ सिन नंबर आपको बस दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आपका ID प्रूफ और एक आपका एड्रेस प्रूफ. हम ऐसे डिवाइड करते हैं. तो जैसे आप अगर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो आपका ID प्रूफ कैन बी योर पासपोर्ट एंड ऑफकोर्स आप अपना स्टडी परमिट भी लेके जाओगे एंड साथ में एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे अगर आप बैंक अकाउंट ऑलरेडी खोल चुके हो तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स में एड्रेस आ जाएगा कि आप जहां पे भी रह रहे हो. एंड अगर आप फॉर एग्जांपल स्पाउस स्पॉन्सरशिप के बाद PR पे आ रहे हो तो मैंने दिया था अपना पासपोर्ट एंड COPR, क्योंकि COPR के ऊपर हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं ना अगर हमें पता होता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं. तो मैंने अपना पासपोर्ट और अपना COPR दिया था. तो अब जब हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें क्या लेके जाने हैं ये बात कंफर्म हो गई है तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस के डिफरेंट तरीके क्या हैं टू अप्लाई फॉर द सिन. सो लेट्स गेट इनटू इट. पहला तरीका है वो लिटरली ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओ एंड यू वॉक इन टू अ सर्विस कनाडा सेंटर. अपनी टर्न का वेट करो लाइन में
एंड जाओ एंड वो सामने ही आपको आपका सिन नंबर दे के निकालेंगे थोड़ी देर में। अब इसमें मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपको उसी टाइम पे मिल रहा है, तो कोई गलती का या रॉन्ग डिलीवरी का इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड वे। बट कॉन ये भी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार पूरा पूरा दिन सेंटर के बाहर वेट करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो ट्रू एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ सर्विस कैनेडा और सेंटर्स। बट अगेन है ना, अगर आपका उसी दिन मिलके बात खत्म हो रही है, तो आई फील के मे बी ये ऑप्शन इज वेरी गुड, स्पेशली इफ यू आर समबडी जिसको अपना सिन बहुत जल्दी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप आए हो और आपको कहीं पे पार्ट टाइम जॉब लग गई है, और यू कम एज अ फुल टाइम लाइक इमिग्रेंट, आपको फुल टाइम जॉब लग गई है और आपको उसी टाइम पे सिन नंबर चाहिए, क्योंकि सिन नंबर के बिना आपको सैलरी क्रेडिट नहीं हो सकती। तो यू वॉन्ट टू डू दिस है ना, जितनी जल्दी हो सके। तो अगर आप के ऊपर कोई टाइम प्रेशर नहीं है कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर चाहिए ही चाहिए, तो फिर तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी चाहिए, तो फिर इन पर्सन जाना सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड इससे हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। अब जो सेकेंड ऑप्शन है ना, दैट इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का भी लाइक दो सब पार्ट्स लगा लो आप। ऑनलाइन में या तो आप अपॉइंटमेंट लो एंड आप सेंटर पे जाओ एंड अपना काम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, आपका काम उसी टाइम में, जस्ट लाइक अ वॉक इन, बट यू गो इन विद एन अपॉइंटमेंट, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता और आप जाते हो और आपका काम हो जाता है। और सेकेंड तरीका है कि यू अप्लाई ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन ही अपना सारे आईडी प्रूफ्स वगैरह अपलोड करके सबमिट कर देते हो एंड यू अप्लाई फॉर योर सिन नंबर। तो अब जो फर्स्ट तरीका है, विच इज ऑनलाइन, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, उसके लिए आई इंसर्ट अ फ्यू क्लिप्स हियर। तो आपने canada.ca की वेबसाइट पे जाना है एंड बेसिकली वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, आपका नेम पूछते हैं, आपका फोन नंबर पूछते हैं, एंड इफ यू आर लाइक अ स्टूडेंट और PR, इस टाइप की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। एंड उसके बाद यू हैव टू वेट 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको सर्विस कनाडा से एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल में दे टेल यू के ओके, हमारे पास XYZ सेंटर्स में ये डेट्स हैं, ये टाइम्स अवेलेबल हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, वुड यू लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट एंड गो टू अ सेंटर, कौन सा सेंटर, कौन सा टाइम स्लॉट। तो फिर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो एंड जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है, यू जस्ट गो एंड गेट योर वर्क डन। अब ये एक तरीका है। एंड जो दूसरा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है, उसमें होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो एंड बस दैट्स इट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, लिटरली घर से। अब इसमें कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका सिन मिल जाता है। अब ऑफ कोर्स अगर आपको, अब उन्होंने रिकोर्स भी देना है कि अगर 2 हफ्ते में नहीं आया तो क्या है, तो उन्होंने उसके लिए कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक आई थिंक 20 या 25 बिजनेस डेज हैव नॉट पास्ड सिंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो अगर आप सर्विस कनाडा को कॉन्टैक्ट भी करोगे, तो वो आपको यही बोलेंगे कि और वेट करो, और वेट करो। सो या आई विल फ्लैश ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर। जो फोन नंबर है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर्विस कनाडा को टू ट्रैक योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। एंड ऑफकोर्स है ना, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, आपकी ईमेल आईडी भी मांगते हैं, तो आपको जो पहला ईमेल बाउंस बैक आता है ना, जिसमें आपकी एप्लीकेशन नंबर लिखी होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज व्हाट यू विल क्वोट जब भी आपको फोन करके अपनी एप्लीकेशन को फॉलो अप करना। ऑल्सो जब आपका सर्विस कनाडा में अगर आप कॉल करते हो अपनी एप्लीकेशन पे फॉलो अप करने के लिए, तो वो आपको हमेशा आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। दिस इज जस्ट देयर वे ऑफ चेकिंग कि जो बंदा फोन कर रहा है वो एक्चुअल में एप्लीकेंट ही है या उसके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बट जस्ट सो यू आर प्रिपेयर्ड, आई एम टेलिंग यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई नो। ओके एंड या आई थिंक इससे वी कवर्ड, बिकॉज इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रोसेस, सो आई थिंक इससे वी कवर्ड द 3 वेज ऑफ डूइंग दिस। सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू द स्टोरी।
सो अ लॉट ऑफ यू नो हू बीन सब्सक्राइब टू माई चैनल काफी टाइम से दैट आई लैंडेड इन कैनेडा ऑन द 1st of May 2022. एंड जब मैं आई द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स व्हाट आई डिड वाज ओपन माय बैंक अकाउंट एंड उसके बाद मुझे था कि ओके अब से नंबर के लिए अप्लाई कर देते हैं. तो हुआ ये कि आई डिडंट हैव लाइक अ जॉब है ना उस टाइम पे, मुझे क्या पता था कि मुझे जॉब कब तक मिल जाएगी. तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था टू बुक एन अपॉइंटमेंट टू गो टू द कॉल टू द कैनेडा सर्विस सेंटर. तो मुझे आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मे में कॉल आई थी एंड दे गेव मी 14th June का टाइम फॉर दी अपॉइंटमेंट. तो हुआ ये कि 14th June को ना मैं बड़ी एक्साइटेड होके गई सर्विस कनाडा की, मेरा तो बड़ा जल्दी से हो जाएगा, मुझे तो लाइन में वेट भी नहीं करना पड़ेगा. एंड मैं वहां पहुंची एंड माइंड यू बाय दिस टाइम बाय 9th June आई हैड अ जॉब इन हैंड और मुझे 15th June से शुरू करना था. तो मैं 14th June को बड़ी एक्साइटेड होके गई कि है ना चलो कितने अच्छे टाइम पे हो रहा है कि 14th June को मेरा सिन नंबर आ जाएगा, 15 से मेरा वर्क शुरू हो जाएगा एंड कितना अच्छा हो जाएगा. एंड मैं गई मास सर्विसेज कनाडा के सेंटर पे एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो सेंटर के ना सर्वर्स डाउन थे. तो उन्होंने सब एप्लीकेंट्स को भगा दिया कि आप कल आना, अब कल आना. तो ऑब्वियसली ना मैं काफी टेंशन में आ गई थी कि यार कल ऑफिस जाना है तो फिर सुबह 7 बजे लाइन में लगो, 10 बजे ऑफिस है, पहुंचना पता नहीं कब होता है ना, फर्स्ट डे है, यू आर ऑलरेडी वेरी नर्वस. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ऑनलाइन अप्लाई कर दे कि 2 हफ्ते में आ जाएगा एंड इट्स ओके. सो यहाँ पे अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज कि इफ योर एम्प्लॉयर हैज हायर्ड यू एंड दे नो दैट आपने सिन नंबर अप्लाई भी नहीं किया है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो. अगर आपके एम्प्लॉयर को पता हो ना कि आपने सिन के लिए अप्लाई नहीं किया या जब वो आपसे फर्स्ट डे पे सबसे पहले लिटरली आपका सिन नंबर मांगता है एंड यू डोंट हैव इट, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना पड़ता है टू प्रूव इट कि आपने अप्लाई किया हुआ है. इफ यू डोंट हैव दिस तो आप काम पे स्टार्ट नहीं कर सकते. कुछ एम्प्लॉयर्स इस चीज को लेके हल्का से लीनियंट हो सकते हैं, कुछ आउटराइटली मना कर देते हैं. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर कि वो कैसे डील करना चाहता है विद एवरीथिंग. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर सिन एंड इफ यू डोंट हैव योर सिन एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी सिन के लिए अप्लाई किया हुआ है. तो मैं नेक्स्ट डे गई तो मैं अपना सिन का प्रूफ लेके गई थी कि वो मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है. तो यार 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मैं रोज मेल बॉक्स चेक करूं घर का, यार आ नहीं रहा. मैं बहुत टेंशन में, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था. तो मुझे था कि चलो 25 business days मोर और लेस हो गया, मैं फोन तो करूं. पहले तो मुझे फोन नंबर ही ना समझ में आया क्योंकि एक को एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का अलग है, लाइक इंश्योरेंस अलग है, लाइक बड़े सारे हेल्पलाइन नंबर्स थे ऑनलाइन. तो फिर मैंने फाइनली मुझे फोन नंबर मिला एंड आई कॉल्ड द लेडी एंड उसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और फिर वो कहती कि आपकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई है. मैंने कहा रिजेक्ट क्यों हो गई है? तो दे टोल्ड मी कि हमने आपसे कहा था कि आपने पासपोर्ट की फोटो खींच के भेजनी है. अब मैं जो हूं ना, मेरे से ये गलती हो गई, मैं ना अपने इमिग्रेशन वाले मोड में चल रही थी तो मुझे था कि मैं नोटराइज्ड स्टैम्प कॉपी लगा देती हूँ कि वो ज्यादा अच्छी होगी. बट दे रिफ्यूज, दे रिजेक्टेड इट. दे सर हमें नोटराइज्ड कॉपी नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल पासपोर्ट की फोटो चाहिए, लाइक लिटरली लाइक दिस, और आपका हाथ भी दिखे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा कंसर्न है कि हमें रियल लगना चाहिए कि एक रियल आदमी ने वो फोटो पासपोर्ट ऐसे पकड़ा हुआ है. तो उन्होंने इस रीजन से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी. मैंने कहा ठीक है, मैंने उसी टाइम पे न्यू एप्लीकेशन डाल दी क्योंकि मेरे पास 2 documents चाहिए थे, वो तो मेरे पास थे ही थे. तो मैंने पासपोर्ट की नोटराइज कॉपी अपलोड करने की जगह पे फोटो नॉर्मल खींच के भेज दी. उसके बाद भी 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, करते करते आई थिंक जुलाई एंड हो गया था, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग हो गई थी. हाँ आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग हो गई थी. एंड मैं ना बहुत टेंशन में थी क्योंकि मैंने तो जून का शुरू किया हुआ था, मेरी सैलरी भी नहीं आ रही थी. तो उन्होंने मुझे लिटरली यही कहा था कि जब तक आपकी सैलरी नहीं आती, नहीं आपका सिन नंबर नहीं आता, तब तक हम आपको सैलरी क्रेडिट नहीं कर सकते. तो मैं फोन करा मैंने बार बार फाइनली. एंड ऑल्सो दे हैव रियली लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, लाइक अगर आप दोपहर में ट्राई कर रहे हो तो 40 minutes कहीं नहीं गए, आप लिटरली आधा आधा पौना घंटा आप होल्ड पे रहते हो एंड आपको रहना पड़ता है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. तो
मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में आई कॉल देम अगेन एंड आई सेड यार मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ एंड दे सेड कि मैम ये तो हम डिलीवर कर चुके हैं. मैंने कहा यार मेरे पास तो आए नहीं, तो आपने कहाँ डिलीवर किया है? तो कहती नहीं, डिलीवर दिखा रहा है पर आप मुझे एक बार अपना एड्रेस फिर से कंफर्म कर दो, पिन कोड बता दो एंड मैं फिर से भिजवा देती हूँ कि 2-3 दिन में पहुंच जाएगी. मैंने कहा चलो ठीक है ना. मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एंड मैंने फिर वेट किया ना, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, मिडिल अगस्त हो गई एंड मैंने कहा यार 2 हफ्ते हो गए हैं ना, अभी तक नहीं आया, लाइक व्हाट इज हैपनिंग. तो मैं ना बहुत परेशान हो गई. मैंने कहा कि चलो यार लेट्स जस्ट गो टू अ सेंटर, मैं लाइन में वेट करूंगी, इट्स फाइन. कि आई नीड माई सिन नंबर है ना, एम्प्लॉयर भी बार बार पूछ रहा है. एंड अनदर प्रोटिप, अगर आप वैंकूवर साइड में रहते हो तो जो न्यू वेस्ट का सर्विस कैनेडा है ना, जो डगलस कॉलेज के पास है, उसका कहते हैं कि वहां पे इतनी लंबी लाइंस नहीं होती, बाकी जगह पे और लंबी लाइंस होती हैं. सो इफ यू आर समबडी जो सिन नंबर लेने के प्रोसेस में है या आप कनाडा आने वाले हो एंड इट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज नॉट बीन डन येट, तो आप न्यू वेस्टमिंस्टर के सर्विसेज कनाडा पे जा सकते हो. एंड वहां पे जेन्युइनली है ना, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आधे पौने घंटे में वहां पे काम हो जाता है अगर आप सुबह जाओ लाइक 8-9 बजे तक भी. मैं गई न्यू वेस्ट एंड मैं वहां पे थिंक 11:30 से लेके 4 बजे तक लाइन में खड़ी थी एंड लिटरली जो मेरा नेक्स्ट नंबर था ना अंदर जाने के लिए, उसी टाइम पे एक लेडी बाहर आई और उन्होंने बोला कि आज के लिए हो गया है क्योंकि 4 बजे सेंटर बंद हो जाता है, तो दे वर लाइक कि अब आप सब घर जाओ, ट्राई अगेन टुमारो. एंड आई गॉट सो अपसेट, आई वॉज लाइक यार मेरी 2.5 महीने की सैलरी नहीं आई अभी तक, मैं क्या करूं. मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी एंड घर आई मैं एंड मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि अच्छा मैं एक बार फिर मेल बॉक्स देख लूँ कि वो फोन वाली लेडी ने कहा था कि आ जाएगा, तो मैं फिर से चेक कर लूँ, क्या पता आ गया. मैं इतनी डेस्परेट थी ना, मतलब कोई याद नहीं. एंड आई ओपन द मेल बॉक्स एंड माई सिन वॉज इन साइड इट, इट वॉज इन साइड इट ऑल अलॉन्ग, इमेजिन. एंड पूरा दिन मैं ऐसी लाइन में खड़ी रही. मुझे अभी भी लगता है कभी कभी कि यार अगर मैं एक बार चेक कर लेती ना मेल बॉक्स बाहर निकलने से पहले, तो शायद मुझे वेट ना करना पड़ता. बट ऑफ कोर्स मैं फिर मैंने अगस्त एंड में अराउंड 25th अगस्त आई थिंक आई गॉट माय सिन एंड इमेजिन मैंने 15th जून की जॉब शुरू की हुई थी. फिर मुझे 2.5 महीने की सैलरी इकट्ठे मिली थी. तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सिन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी. तो प्लीज जब आते हो यहाँ पे, ऑन प्रायोरिटी पहले बैंक अकाउंट देन सिन, लाइक इट्स दैट इम्पोर्टेंट एंड लाइक इट्स नेसेसरी, वरना कुछ भी नहीं होता है. एंड जैसे सिन नंबर मिलते हैं अपने बैंक वालों को भी अपडेट कर देना, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ओके एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आज पता नहीं थोड़ा ठंड हो रही है, मेरा भी गला बार बार बैठ रहा है. आई डोंट नो, आई एम सॉरी इफ आई साउंड पिची टुडे, बट आई एम रियली ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट. आई वॉज पहले थिंकिंग कि आई विल नॉट शूट, बट देन आई थॉट कि नहीं, आई प्रोमिस माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी रेगुलर हियर, सो हियर आई एम. एंड या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर सोशल इंश्योरेंस नंबर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, इधर इज गुड. बट प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए जो लाइक्स है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज होते हैं. तो इफ यू कुड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हो जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब. एंड या आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अ न्यू वीडियो.